आज जो मैं इतना ही निवेदन आप सब लोगों से करूंगा, एक तो आप सब लोग जान रहे कि 2014 से इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उस समय उन्होंने जो संकल्प लिया था और जो देश की जनता के समक्ष उन्होंने अभिषेक को रखा था, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगा। उस समय लोगों को लगता था कि शायद नेता यही भाषण देते हैं या ऐसे ही घोषणा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो बातें जनता के समक्ष उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था और फिर उस काम को पूरा करने की उन्होंने कोशिश की और आप सब ने देखा कि इस प्रकार से इस देश में सबसे पहले अपनी मां बहनों की इज्जत को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो हमारी मां बहनों के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाने का, इज्जत घर देने का काम किया। और इसलिए आप जरा याद करिए उससे पहले गरीबों की हालत क्या होती थी, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद की वो प्रतीक्षा करते थे कि तभी वो शौच हो जाएंगे, क्या स्थिति थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के इस तकलीफ को जानते थे और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हमारी मां बहनों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए अभी इज्जत घर देने का काम किया। और उसके बाद फिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे गरीबों को घर भी देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने तो कहा था हेमंत सोरेन जी ने कि हम 1 लाख का और लगा देंगे ताकि और बढ़िया से लोग मकान बना सके, लेकिन 1 लाख की बात तो छोड़ दीजिए, एक क्या कहते हैं कौड़ी भी उसमें वो नहीं लगा पाए, बल्कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर के लिए जो पैसे भेजते हैं बनाने के लिए, उसमें भी ये कमीशन खोई होती है और उस पैसे को भी ठीक से हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहां तक पहुंचा नहीं, उसको भी रास्ते में इधर उधर करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही करने के लिए आया और उसके साथ साथ घर भी बना, घर के साथ साथ क्या पहले जानते थे कि देश में गैस की चूल्हा और गैस का कनेक्शन शहर के लोगों को ही मिलता है, ऐसा लोगों को लगता था, गांव के गरीब को तो ये लगता था पता नहीं हमें कभी नसीब होगा कि नहीं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के झोपड़ी तक भी गैस कनेक्शन और गैस के चूल्हा पहुंचा। अब जरा सोचिए किस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन मां बहनों की चिंता की जो वर्षों वर्षों तक उनको नसीब में नहीं होता था, उनको लगता था कि हमारे नसीब में नहीं है, हमें गोयता ही भोगना पड़े, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन गरीब मां बहनों के लिए भी व्यवस्था की। और पिछले रक्षाबंधन के दिन पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन मां बहनों को एक सौगात भी दिए कि उन्होंने गैस कनेक्शन में जो रसोईया गैस है उसमें से 200 रुपया की सब्सिडी भी दिया और जिन मां बहनों ने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है उन लोगों को तो 200 रुपया पहले से मिलता था, रक्षाबंधन के दिन और 200 रुपया की सब्सिडी, यानी कुल मिलाकर के 400 रुपया की सब्सिडी ये देने का काम है। अगर देश के प्रधानमंत्री इन गरीब महिलाओं के गरीबों की वो चिंता करते और तो और आप याद करिए देश का बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज नहीं वर्षों पहले जब श्रीमती गांधी जी उस समय हो गया था कांग्रेस के राज में, लेकिन गरीबों की पहुंच बैंकों तक नहीं थी, गरीबों का खाता बैंकों में नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो गरीबों का भी जनधन खाता बैंकों में खोला, पैसा नहीं था तो धीरे बैलेंस में बिना पैसा कहीं खाता खोला। उस समय लोग कहते थे कि पैसा गरीबों के पास आए नहीं तो खाता किस काम की होगी,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी प्रकार की जो सब्सिडी होती है या गरीबों को सहायता दी जाती है और उन बैंक के खाते में ही पैसा सीधे भेज दिया जाता है। कोरोना काल को आप याद करिए, जब कोरोना काल में दुनिया धरती में कभी खाना बंद हो गया था, रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलना बंद हो गया था, गरीब को लगता था कि अब हम कैसे बचेंगे कैसे जिएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कोरोना काल में जनधन खाते में भी पैसा भेजने का काम किया ताकि गरीब भी अपने बाल बच्चों को अच्छे से भोजन करा सके। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ इस देश की अभी आपको बता रहे थे कि 80 करोड़ की आबादी को प्रत्येक महीना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रही। लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार उस अनाज को भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक वो पहुंचा नहीं पाती है, बल्कि उस अनाज को भी बाजारों में बेच देते हैं और उसके पैसे को अपनी तिजोरी में भरते हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर गरीबों के अनाज को भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते बल्कि उसको भी वो बेचते हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री को आने वाले समय हमें उसको बदल देनी है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं और आपसे हम यही कहने के लिए आया, आपको यही संकल्प ले करके यहां से जाना है, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए। आपने देखा कि इस देश के अंदर में पहले गरीब जब बीमार होते थे तो इलाज के अभाव में मर जाते थे, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत गरीब को भी 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है, आज भी सभी गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं और इसके कारण से बेहतर अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होता है। हेमंत सोरेन को इसकी कोई चिंता नहीं है कि हर गरीबों का कार्ड बन जाए और उन हर गरीबों की अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, इसके हेमंत सोरेन को कोई चिंता नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, अब यह संकल्प लेकर के जाना, आने वाला कल बीजेपी की आप सरकार बनाना, जब बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो आपके जो सरकार के जो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, आपके गरीबों के घर घर में पहुंचा देंगे कार्ड को, आयुष्मान कार्ड को, उसके लिए आपको किसी के दरवाजे अटकना नहीं पड़ेगा। यही मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया। किसानों के खाते में भी साल में 6,000 रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के, और इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, और अभी 17 तारीख को उन्होंने क्या किया, 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा पूजा था उस दिन इस देश की जो परंपरागत जो कारीगर है, चाहे लकड़ी का काम करने वाले बड़ा मिस्त्री हो, चाहे लोहा का काम करने वाले हो, चाहे मिट्टी का काम करने वाले हो, चाहे वो सोलर का काम करने वाले हो, ऐसा इस देश के जो परंपरागत जो कारीगर है उनके बारे में कभी भी किसी भी सरकार ने कोई चिंता नहीं की थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च किया और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपया का भी प्रावधान किया और उन्हें कहा कि नई तकनीक से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और नए तकनीक जब प्रशिक्षण दी जाएगी उस समय भी 500 रुपया की भत्ता उनको दी जाएगी और ट्रेनिंग समाप्त होते ही 15,000 रुपया का किस्त भी दिया जाएगा और बैंकों से सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया की लोन भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।